अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम करेंगे लेसन नंबर 19, जेंडर डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या जेंडर डिफरेंसेस आते हैं किसी मेल में फीमेल में। तो ये शुरू करने से पहले आपको पता है आपने क्या करना है, मुझे बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, ना ही आपको बार बार सुनना अच्छा लगता होगा। 90% जो लोग होते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, सब पता चल जाता है मुझे। माई गूगल इज़ माई असिस्टेंट, उसने सारा मुझे बता देता है। तो चलिए हम चलते हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें तब तक और साथ साथ सुने भी। कहने के जो पर्सनैलिटी में अगर हम देखा जाए तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनैलिटी में, जहाँ पे मेल ज़्यादा स्कोर करता है तो कहीं पे फीमेल ज़्यादा स्कोर करती है। कहीं पे जैसे टॉकेटिवनेस है तो उसका जो एक स्टीरियोटाइपिकल ट्रेट है, जो कहते थे कि जिसमें मेल जो कि फीमेल से ज़्यादा टॉकेटिव है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें मेल ने ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। उन्होंने कोई कहने की कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वुमेन या जो मैन है, टू डिफरेंट एंटिटीज़, उनके जो के करेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट हैं, उनके जो भी उनके अंदर जो पाया जाता है वो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उनके अंदर जो भी आप देखें तो उनके जो ट्रेट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, जो कि उनके अगर उनकी एग्रेशन देखी जाए या उनका जो कि किस तरह की उनके अंदर एग्रेशन ज़्यादा पाई जाती है या वो उनकी ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं या नहीं होती, ये हम लोग अब देखेंगे। कि सबसे पहले अब देखते हैं कि जेंडर एंड एग्रेशन में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं फीमेल्स के नस्बत। कह रहे हैं कि 2 साल का जो बच्चा होगा ना, इवन इट बॉय, जो 2 साल के जो बच्चे में अगर लड़का देखा जाए तो उसमें ज़्यादा एग्रेशन पाई जाएगी। अगर उसी 2 साल की बच्ची को देखा जाए तो उनमें ज़्यादा एग्रेशन है। जो औरतें होती हैं, अगर वो जो लड़कियां होती हैं, अगर वो अग्रेसिव हो भी जाएँ किसी पे तो वो बाद में जो है ना गिल्टी होती हैं, बड़ी एंजाइटी होती है और वो उसके बारे में सोच रही होती हैं कि वो जिसके जिसके ऊपर मैंने गुस्सा किया, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, क्या होगा उसको, वो पता नहीं उसकी, फिर उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न होने लग जाती हैं, उनको ही अपने सोचने लग जाती हैं क्या होगा, ये है वो, टेंशन में आने लग जाती हैं। कह रहे हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर फिज़िकल एग्रेशन ज़्यादा होती है और जो गर्ल्स होती हैं उनमें रिलेशनल एग्रेशन ज़्यादा होती है या सोशल एग्रेशन ज़्यादा होती है। और कह रहे हैं कि जो रिलेशनल एग्रेशन है या सोशल एग्रेशन है उसको ज़्यादा हर्टफुल कंसीडर किया गया है रादर देन फिज़िकल एग्रेशन। ये जो रिलेशनल एग्रेशन है ये आपके ये साइकिक पेन जो है ना वो पैदा करती है, मतलब कि उसके दिमागी तौर पर उसको दुख होता है, इस तरह के पेन होती है और वो इंसल्ट, इसमें इंसल्ट और सोशल अट्रैक्शन भी पाई जाती है। कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा रिलेशनल एग्रेशन यूज़ करती हैं, बॉयज़ जो हैं वो फिज़िकल एग्रेशन यूज़ करते हैं। बॉयज़ जो हैं वो एक जो है ना उनकी वर्बल और फिज़िकल एग्रेशन दोनों होती हैं और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं मेल्स के फीमेल्स की नस्बत। फिर कह रहे हैं कि जो जो गर्ल्स होती हैं वो इग्नोरिंग या दूसरों की इंसल्ट या गॉसिपिंग वगैरह, बुलिंग, ह्यूमिलिएशन वगैरह, इस तरह के एग्रेशन में वो उनको देखा गया। कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग एग्रेसिवनेस बीइंग हायर इन मेल्स। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, मैकोबी और जैकलिन 1980। कहने के जो बायोलॉजी ये जो डिफरेंस है वो हार्मोन्स की बेसिस पे होता है। लर्निंग एंड सोशल फैक्टर्स एक्सप्लेनेशन। कहने के जो जेंडर डिफरेंस है कि इन एग्रेशन पे अगर हम देखें वो बायोलॉजिकल नहीं है, लर्निंग और सोशलाइजेशन जो है एक ये दो फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्रेशन में। फिर ये अप्रोच आर्ग्यू करती है कि अगर एग्रेसिव इज़ बायोलॉजिकली डिस्पोज, अगर बायोलॉजिकली नहीं है देन इट शुड बी सेम इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो ये बच्चों में और बड़ों में सेम होनी चाहिए, बट इफ़ द टेंडेंसी डेवलप्स इन एडल्टहुड, लेकिन अगर यही टेंडेंसी बड़ों के डेवलप होती है तो ये एज के साथ साथ बढ़ती है, देन द सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है ना इसके लिए। Some research thought, though not conclusive, suggests that aggression tends to increase with the age of child. कि aggression जो है वो बढ़ती है बच्चे की उम्र के साथ साथ। Gender differences in bullying. Bullying is very common phenomenon. जब भी किसी नए स्कूल में जाते हैं तो bullying हो रही होती है उसकी, किसी भी बच्चे की यूनिवर्सिटी में जाए तो फिर भी bullying हो रही होती है।
ज़्यादातर जो बॉयज़ रहते हैं वो उनको बड़े जो बड़े बॉयज़ होते हैं या कोई उनके पीयर्स होते हैं वो बुली कर रहे होते हैं। गर्ल्स के केस में बुलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, वो सेक्सुअल या टचिंग वगैरह, सेक्सुअल टीजिंग या टचिंग वगैरह होती है। और ये दिस कॉज प्रॉब्लम, और ये जो है ना उनकी प्रॉब्लम इतनी वो हो जाती है कि वो स्कूल जाने से अवॉइड करने लग जाती हैं लड़कियाँ। जेंडर डिफरेंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, कहने के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बिहेवियर में भी मैन एंड वुमेन के डिफर करते हैं। जो फीमेल्स हैं ज़्यादा सेंसिटिव हैं नॉन वर्बल क्यूज़ में रादर देन जो मेल्स हैं। जो वुमेन हैं वो डिकोडिंग या अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, लेकिन ये कोई बट देर आर नो डिफरेंस इन द डिस्प्ले ऑफ पोस्चर और गेस्चर। लेकिन को और जो औरतें होती हैं वो किसी की मतलब अगर कोई जैसे कहते हैं ना मोहल्ले में आंटियां एक दूसरे की झांका तागी कर रही होती, वो किसी की बातों में ना घुस के उनकी बातें सुनना उनकी ज़्यादा अंदर टेंडेंसी होती है, जबकि मेल्स में नहीं होती। जो मेल्स होते हैं वो औरतों को बातें करते हुए नहीं कोई सुनते वो लोग। वुमेन जो इतनी ज़्यादातर फॉर्मल होती हैं अपने आप को अपने पोस्चर का बड़ा अपने आप को बड़े पेरेंट्स का बड़ा वो ख्याल रखती हैं कि मैं कैसे हूँ, कंसर्न होती है अपने बारे में, जबकि मेल्स होते हैं बड़े रिलैक्स रहते हैं। जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा स्माइल करती हैं रादर देन मेल्स। जो डिफरेंस है रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव पोजिशन ऑफ मैन एंड सबमिशन ऑफ वुमेन, हेनली ने ये कहा है। ये भी कहा है कि जो मेन हैं वो है उनके अंदर ज़्यादा स्टेटस, उनका ज़्यादा स्टेटस होता है, हायर स्टेटस होता है, जबकि वुमेन का जो लोअर स्टेटस होता है सोसाइटी में। कह रहे हैं कि जो मेन के जो गेस्चर्स हैं वो वैसे गेस्चर्स हैं जो कि बड़े हाई और पावरफुल पोजीशन में जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, और जबकि वुमेन का जो है ना केस ऑपोजिट है। टचिंग में, अब टचिंग के बारे में डिफरेंस क्या है कि जब टचिंग की बात की जाए तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन अगर उनको जब आदमी को कोई टच करके बात करे तो उनको नहीं पसंद। लेकिन जब वुमेन जनरली गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो औरतें होती हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं किस पे, टचिंग पे, लेकिन वो कभी भी इनिशिएट नहीं करती, शुरुआत नहीं करती। एक्सप्रेसिव एंड सेंसिटिविटी, जो ये एक्सप्रेसिव और सेंसिटिविटी में भी ये दोनों वेरी करते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस पाए जाते हैं। जो कि वुमेन हैं वो सुपीरियर पाई गई हैं एक्यूरेटली सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अगर कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जो गेस्चर्स होते हैं, फेस एक्सप्रेशन वगैरह कोई भी, वो ज़्यादातर उनको सुपीरियर पाई गई हैं इसको समझने में। और उनके अंदर एबिलिटी होती है वो नेगेटिव, अगर कोई फॉर एग्जांपल गंदी नज़रें देख रहा होता है ना तो लड़कियों को पता चल जाता है, उनके अंदर एबिलिटी होती है नेगेटिव फीलिंग आइडेंटिफाई करने की, लेकिन एक्सेप्ट एंगर इन मैन केसेस। फिर अकॉर्डिंग टू ब्राउन, ब्राउन क्या कह रहे हैं, ये हाइटेंड एबिलिटी जो कि नेगेटिव फीलिंग करने की है वो वुमेन की लेस पावरफुल पोजिशन का मे बी अ फंक्शन ऑफ वुमेन्स लेस पावरफुल पोजिशन, एंड दे मे हैव टू डेवलप सेंसिटिविटी टू द लीकेज ऑफ नेगेटिव फीलिंग। तो उनके अंदर डेवलप हो सकती है सेंसिटिविटी के लीकेज होते, कोई भी नेगेटिव फीलिंग उनसे लीक भी हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर, बहुत ईजी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।